मध्य प्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष शर्मा ने गुना के जिला योग समिति का किया गठन। जिला योग समिति शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को योग से स्वस्थ बनाए। मध्य प्रदेश योग आयोग अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा, कैबिनेट मंत्री दर्जा ने शनिवार को गुना आगमन पर स्थानीय सर्किट हाउस में जिलाधिकारियों एवं योग प्रभारियों के साथ बैठक ली। बैठक में पतंजलि के राज्य प्रभारी कृष्ण योगेंद्र सिंह रघुवंशी, जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली, जिला योग प्रभारी काव्यांजलि शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में मध्य प्रदेश योग आयोग अध्यक्ष शर्मा की उपस्थिति में जिला गुना की योग समिति का गठन किया गया, साथ ही 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इसके पदेन सचिव जिला शिक्षा अधिकारी और जिला योग प्रभारी इसके पदेन सह सचिव होंगे। ये रही समिति। जिला योग आयोग के जिला अध्यक्ष हरिओम राठौर, उपाध्यक्ष चंद्रमोहन यादव, कोषाध्यक्ष गोविंद मीणा को बनाया गया। समिति में सदस्यों का गठन भी किया गया जो इस प्रकार है: नीलू साहू, प्रताप सिंह, मनोज जैन, दिनेश सिंह, योगाचार्य महेश पाल को जिला योग समिति में सदस्य बनाया गया। इस समिति में सभी संस्थाओं को मिलाकर जिला योग समिति का गठन किया गया, जिसमें पतंजलि योग समिति, गायत्री परिवार, आर्ट ऑफ लिविंग, पतंजलि युवा भरत आदि के सदस्यों को शामिल किया गया है। कैबिनेट मंत्री शर्मा ने कहा कि जिला योग समिति के गठन का उद्देश्य जिले के शहरी ग्रामीण क्षेत्र में योग के प्रचार प्रसार एवं प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था कर लोगों को योग का महत्व बताना और उन्हें योग कराकर स्वस्थ बनाना। उन्होंने कहा कि जो संस्थाएँ पूर्ण से ही योग कक्षाएं संचालित कर रही हैं, उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करना तथा आवश्यक साधन उपलब्ध कराना, जिसमें स्थान माइक मैट आदि। बैठक ली है, इस पर आपने योग आयोग का अपना जिले भर में किस तरह से अपने अभी प्रदेश के समस्त जिलों में जिला आयोग समिति का गठन किया गया है। उसी क्रम में गुना में भी जिला आयोग समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष श्री गोविंद जी है। और अब जिला आयोग समिति के माध्यम से हम विकासखंड स्तर पर विकासखंड योग समितियों का गठन करेंगे और विकासखंड और जिला योग समितियों के माध्यम से हर गांव में एक योग समिति का गठन होगा और उनका काम होगा कि हर गाँव में, बल्कि हर घर में योग कराया जाए, ताकि व्यक्ति योग के माध्यम से स्वस्थ रह सके, शरीर से भी स्वस्थ रह सके, मन से भी स्वस्थ रह सके। यह प्रयास मध्य से उठाता है कि घर घर योग, जन जन योग, और इसी प्रयास में इन समितियों का गठन किया जाए। ठीक है।